सभी को नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्री 2024 को लेकर यूपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें एग्ज़ाम को 20 डेज आगे बढ़ाया गया है। तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक अच्छा मौका है कि उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे 20 डेज मिल गए हैं। तो जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा जनरल इलेक्शन होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए कमीशन ने ये फैसला किया है कि एग्ज़ाम को कुछ दिन के लिए आगे पोस्टपोन किया जाता है। किस एग्ज़ाम को? सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024, साथ में इसमें फॉरेस्ट एग्ज़ाम भी लगती है, उसको 26 मई से बढ़ाकर 16 जून को किया जाता है। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा 20 डेज है, आपने एक मोमेंटम जो बना रखा है अपनी पढ़ाई का, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद। एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए तो और अच्छी बात है कि उसका रिवीजन अच्छा चल रहा है, सब सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 20 डेज मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि मैंने भी 4 बार यूपीसी का प्री पास किया है, 4 बार मेंस लिखा, जिसमें 3 बार आईएएस का इंटरव्यू फेस किया है। और इस चैनल पर आपको इतना कुछ पढ़ा दिया है कि लाखों रुपये की फ़ीस दे के भी आप उतना गेन नहीं करते हो जितना इस चैनल पर पढ़ा दिया है। आप देखना एक बार अपने चैनल की प्लेलिस्ट जाके, एथिक्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाया है, क्योंकि एथिक्स में मेरा स्कोर 126 है, एसे राइटिंग 157 आ चुका है। ठीक है, तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो अपने चैनल से जुड़ना। और अभी आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाके देखना, एक मैपिंग सीरीज चल रहा है जो प्री 2024 को ध्यान में रख के ही चल रही है। जरूर देखना, एक वीडियो एटलीस्ट देखना, बाद में मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे, और ये सूचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसका भरपूर उपयोग करो। ठीक है, अपने यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, खुद भी आपके साथ लगाऊँ लास्ट अटैम्प्ट के लिए, और मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिली कि मुझे भी 20 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। एज एस्पिरेंट कोई नुकसान की बात नहीं है, यदि 20 दिन हमें प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं तो कोई उसमें बुराई की बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।